हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक हेल्दी, क्विक एंड इजी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए हम फ्लफी राइस पैनकेक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये मैंने एक कप चावल को 4 से 5 घंटे तक भिगो दिया था। तो अभी ये चावल में से हम पानी सब निकाल देते हैं और मिक्सर जार में डाल देते हैं, और जो भी चावल में थोड़ा सा पानी रहता है ना, वो भी हमें डाल देना है। और अच्छे से इसकी एक पेस्ट बना लेते हैं और मिक्सर जार में क्रश कर लेते हैं। अभी ये हमारी पेस्ट बनकर रेडी हो गई है, तो अभी देख लेते हैं। बहुत अच्छी हमारी ये पेस्ट बन गई है। अभी इसमें हम एक आलू मैंने बड़ा सा बॉईल करके रख लिया है, वो ऐड कर लेते हैं। और आलू और चावल अच्छे से एक पीस जाए, एकदम पेस्ट बन जाए, इसके लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं कि स्मूथली एक पेस्ट अच्छी बन जाए। तो चलो हम मिक्सर में हम इसको पीस लेते हैं। अभी चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छी हमारी ये पेस्ट बनकर रेडी हो गई है। ये आलू और चावल की पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल देते हैं। और अभी इसमें हम एक हेल्दी वर्जन बनाने के लिए सब सब्जियां, जो भी घर में अवेलेबल हो वो सब सब्जियां हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेश हरा धनिया और बारीक चॉप किया हुआ गाजर, कैप्सिकम और बारीक चॉप किया हुआ टमाटर, वो एक बड़ी साइज़ का लिया है, और एक मीडियम साइज़ की प्याज और एक हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है। अभी ये सब वेजिटेबल्स हम ये आलू और चावल की पेस्ट में डाल देते हैं। तो ये एक बड़ा सा गाजर मैंने आधा बारीक चॉप कर लिया है धोकर, वो ऐड कर लेते हैं, और एक छोटी साइज का शिमला मिर्च बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर लेते हैं, और टमाटर एक बड़ी साइज का बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर लेते हैं। आपको जो भी पसंद है सब्जियां वो आप ऐड कर सकते हो। और ये घर की चीजों से ही, घर में जो अवेलेबल हो इसी चीजों से मैंने ये नाश्ता बनाया है। और ये मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर लेते हैं, और अभी एक हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड करते हैं। और अभी बारीक च॑प किया हुआ 3 से 4 टेबलस्पून जितना हरा धनिया ऐड कर लेते हैं। फ्रेश हरा धनिया से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और फिर 1 टेबलस्पून जितना अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हरी मिर्च मैंने तीखी वाली ली है, और 3 से 4 करी पत्ता को बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड कर लेते हैं, और अच्छे से चम्मच की मदद से ये मिक्सर को मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनता है। तो आपको इजी बनाने के लिए क्या करना है कि रात को चावल भिगो के आप उसको रेस्ट दे दो, तो सुबह में आप पीस के अच्छे से सुबह का नाश्ता बना सकते हो, तो बहुत फास्ट बन जाता है। और घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो वो आप ऐड कर सकते हो, चावल तो होते ही है वो भी। तो घर की चीज़ों से ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और बहुत अच्छा बनता है। ये हमारा मिक्सर अभी रेडी हो गया है। इसमें अभी स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेते हैं, और 1/4 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर, और 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब इसको 15 मिनट तक रेस्ट दे देते हैं। 15 मिनट के बाद अभी इसमें हम ये इनो, ये रेगुलर आता है ना, ये ब्लू वाला पैकेट, ये इनो लेना है। तो ये इनो हम 1 टीस्पून जितना ऐड कर लेते हैं। इनो घर में अवेलेबल नहीं होता है तो बेकिंग सोडा भी 1/2 टीस्पून जितना यूज़ कर सकते हो। अभी ये इनो ऐड कर लेते हैं, और ऊपर से 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड कर लेते हैं ताकि इनो एकदम अच्छे से एक्टिव हो जाए, और अच्छे से धीरे से मिक्स कर लेते हैं। अभी एक नॉनस्टिक पैन लेते हैं और
पैन को गर्म करने रख लेते हैं और एक टीस्पून जितना ऑयल ऐड करके पूरे पैन में स्प्रेड कर लेते हैं। आपके पास छोटा बड़ा जो भी पैन हो वो चलता है। और ऊपर से ये बैटर हम यहाँ पे पोर कर लेते हैं। आपको जितना बड़ा पैनकेक बनाना है उतना आप ज़्यादा बैटर ले सकते हो। मैं यहाँ छोटे छोटे पैनकेक बना रही हूँ। ये अच्छे से फ्लफी हो जाएगा, थोड़ा फूलेगा। तो अभी इसको लीड बंद करके 2 मिनट मीडियम आंच पे होने देते हैं। 2 मिनट के बाद अभी चेक कर लेते हैं, अच्छे से फ्लफी हो गया है। अभी ऊपर से थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करके टर्न कर लेते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छा, ये हमारा क्रिस्पी पैनकेक हो गया है। और दूसरी साइड भी हम क्रिस्प कर लेते हैं। अभी दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड, दूसरी साइड भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। हमारा ये फ्लफी राइस पैनकेक बनकर रेडी हो गया है। ऐसे ही हम दूसरा बना लेते हैं। सेम मेथड से सब राइस पैनकेक बना लेते हैं। ये ब्रेकफास्ट फ्रेंड्स सुबह के नाश्ते में भी आप अच्छे से खा सकते हो और शाम का डिनर भी बहुत अच्छे से लाइट डिनर कर सकते हो। तो हमारे सब फ्लफी राइस पैनकेक बनकर रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, ये बहुत अच्छे राइस पैनकेक बने हैं। तो आप ये घर पर ज़रूर हेल्दी नाश्ता बनाइए और मेरी रेसिपी को आपके फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल देखने के लिए धन्यवाद।